हाय फ्रेंड्स, आज एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीन सर्कल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर हमें निकालना है जो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से देखते हैं। तो जो भी लॉजिक यहाँ है वही सेम यहाँ और यहाँ पे भी होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 8 क्या होता है, 48। फिर इसको और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 × 4 ये भी 48। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1। सो यहाँ पे 1 है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। पहले हम 4, ये वाला 4 और ये 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मिलेगा 24। और इसको और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8, जो यहाँ पे। अब यही चीज़ यहाँ पे भी करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर मिलता है। सो 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 6 मिला 60। फिर 2 और 15 मिला 30। अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होना चाहिए, 2, जो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।